किसको फोन किया आपने? नदीम करके बताए मुझे किसी ने, आप ही हो ना? हाँ अच्छा चलिए ठीक है। हाँ कहाँ के रहने वाले हो? तो आपको जिसने नंबर दिया बताया नहीं क्या? नहीं बताए। हाँ तो उनसे पूछ लीजिए, फालतू वक्त जाया ना। नहीं तो फालतू सवाल का जवाब मैं ही दूंगा ना। फालतू सवाल आप पूछ रहे हैं, फालतू वक्त आपके पास होगा। फालतू वक्त नहीं, फालतू वक्त नहीं, जैसा हम असल मौजू पर बात करेंगे, अकायद के ताल्लुक से बात करेंगे। आप रहने वाले कहाँ के इतना तो बोल दीजिए ना। नहीं फालतू सवाल नहीं, अकायद पे आइए। अच्छा चलिए ठीक है, फालतू सवाल अगर समझ रहे हैं तो मत बोलिए। ठीक है, आपको किस जमात से ताल्लुक रखते हैं? आपको नंबर जिसने दिया उसने बताया नहीं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया। हाँ, आप बताइए, तो आप अपनी जमात का नाम बोलने में शर्म आ रही है आपको? अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत? अच्छा तो अहले सुन्नत के सारे मामूलात पर अमल करते हैं? हाँ बिल्कुल। आप तरावी 20 रकात पढ़ते हैं या 8 रकात पढ़ते हैं? 8 रकात। 8 रकात तो अहले सुन्नत का भी 8 रकात पढ़े? अहले सुन्नत 8 ही पढ़े। सहाबा इकराम की जमात 8 ही पढ़ी है? नहीं थे। हाँ सहाबा इकराम की जमात, अल्लाह के नबी की जमात 8 ही रकात पढ़ी। तो माज़ अल्लाह कौन सी हदीस से साबित? माज़ अल्लाह इसमें क्या हो गया, 8 रकात में क्या कुफर हो जाता है? कुफर नहीं होता जब नाउज़ु बिल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने को माज़ अल्लाह बोल रहे हो, तो आप तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। आप सुनो बात, तुम बोलोगे मैं खामोशी से सुनूंगा। मैं नहीं, आपने जो माज़ अल्लाह कहा है नबी की बात को कुफर कहोगे तो आप तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, वस्ताख रसूल हो जाओगे। अच्छा मैं सुनो, तुम बोलते रहो, बोलो 2 मिनट बोलो। नहीं माज़ अल्लाह बोलने की क्या जरूरत है, नमाज पढ़ा ना आदमी ने, फिर सवाल करके सवाल पे सवाल करते रहे। हाँ ये तो सुनना था ना, लेकिन अभी हम भी सवाल करके बात को समझाया करते थे। 8 रकात पे माज़ अल्लाह कह दिया आपने, तो क्या 8 रकात पढ़ना कुफ्र है? बोलिए पूरा मुकम्मल बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए ना, क्योंकि आपको कोई मुकम्मल बोल के फायदा नहीं, आपको एक बात ही समझ में नहीं आती, मुकम्मल कहां से आता है? नहीं ना फायदा, आप फिर बोलने नहीं दे रहे। हाँ तो बताइए, 8 रकात जो पढ़ता है तो वो क्या कुफर करता है? मैं सुनो, आप मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कुफर पर ही माज अल्लाह नहीं बोला जाता है, बल्कि कोई भी गुमराही वाली बात है। हाँ तो 8 रकात पढ़ना गुमराही है बोल रहे हैं? ये क्या पागल है कि बावला हो तुम? मैं बोला 8 रकात पढ़ना गुमराही है, आप खामोशी से सुनोगे या अभी आप बोलो ना, गुमराही पे भी बोला जाता है तो मैं पूछा 8 रकात पढ़ना गुमराही है? हाँ गुमराही है। नऊज़ु बिल्लाह, दलील दो कहीं से भी, तुम हदीस से दलील दो। क्या दलील दो? 8 रकात की सही बुखारी की रिवायत, आयशा फरमाती अल्लाह के नबी 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अच्छा तो बुखारी शरीफ में सुनो, बुखारी शरीफ में तराबी के बाब अलग है, हाँ, और क़ियामुल्लाइल के बाब अलग है। हाँ, इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने क़ियामुल्लाइल में फरमाया है, तराबी के बाब ही अलग है, तराबी के बाब ही अलग है, तराबी के बाब में हदीस नहीं है। इससे इमाम बुखारी ने तराबी नहीं समझे, तराबी के बाब में हदीस है कि नहीं? बड़े मुहद्दिस हो, अगर सही बुखारी के तराबी के बाब में हजरत आयशा की 8 रकात वाली हदीस है कि नहीं? तो पढ़ो हदीस पढ़ो। हाँ आप पढ़ो ना, आपका दावा है मेरा नहीं। हदीस आप चैप्टर निकालो, बाबे तरावी चैप्टर निकालो। 8 रकात वाली हदीस को आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गैर रमजान हर हाल में 8 रकात पढ़ते थे। हाँ तो बाबे तरावी रमजान के अलावा तरावी है, तरावी में 8 रकात वाली हजरत आयशा की हदीस है। ये हदीस को रमजान गैर रमजान हर हाल में, इससे साबित हुआ तुम आयशा रजी अल्लाह तआला को अहले सुन्नत नहीं समझ रहे हो। के बाबे रजी अल्लाह तआला ने सारी उम्मत को 20 रकात पर जमा फरमा दिया। पहले मेरी और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने से आज तक मक्का मदीना में भी 20 रकात हो रहे तरावी। बाबे तरावी में ये हदीस है कि नहीं कि अल्लाह के नबी ने 11 रकात पढ़ी? बाबे तरावी में ये हदीस बिल्कुल नहीं है, ये हदीस क़ियामुल्लाइल में है। इससे साबित हुआ विक्टोरियन सहाबा को भी अहले सुन्नत नहीं समझ रहे, खुद को अहले सुन्नत का दावा कर रहा है तुम। अहले सुन्नत अगर तुम्हारी समझ अहले सुन्नत थी, अहले हदीस रजिस्टर क्यों कराया? ये बाबे तरावी हदीस नंबर 2013 क्या फरमाती हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा? قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سيد المقبري عن ابي سلمة عن عبد الرحمن
अन्नहु साला आयशा रजी अल्लाह अन्हा कैफ कानत सलातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान फकालत मा कतना यजीदु फी रमजान वला फी गैरी अला इतरकातन युसल्ली अरबहन फला तसअलु अन हुस्बिहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबान फला तसलु अन हुस्बिहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली सलासन फकुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया हज़रत आयशा ने बाबे तरावी में कि अल्लाह के नबी सम 11 रकात पढ़ते थे। अच्छा 11 रकात पढ़ते थे। सवाल करने वाले ने सवाल पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में क़ियामुल लैल कितना फरमाते थे, यानी क़ियामुल लैल जो है तहज्जुद को कहा जाता है और तरावी की बात है तुम्हारे वही तुम्हारे भोपाली ने खुद लिखा है कि तरावी अलग कैफियत का नाम है, वो नमाज अलग नहीं है, तो कैफियत है नमाज अलग नहीं है, नहीं वो नमाज क़ियामुल लैल की ही है, जैसे ज़ोहर की नमाज हमारे वहाँ ज़ोहर की ज़ोहर की नमाज कितनी है, ये हमेशा हमेशा के लिए हर दिन पहली बात ज़ोहर की नमाज ज़ोहर की फर्ज नमाज कितनी है पहले बताओ, ज़ोहर की फर्ज नमाज कितनी है जी, ज़ोहर की फर्ज नमाज आपके नजदीक कितनी है, ज़ोहर की फर्ज नमाज चार रकात, चार है ना, और सफर में रहते हो तो उसको क्या बोलते हो जी, सफर में जब जाते हो तो कितनी पढ़ते हो और क्या बोलते हो, सफर में ज़ोहर की नमाज बोलते हैं, कसर बोलते हैं, दो रकात पढ़ते हैं, कितना है ना, तो नाम बदलने से कैफियत बदलती है, नमाज नहीं बदलती, कसर की नमाज कौन सी साबित हो रहा है, कसर किसको बोलते हैं, कसर किसको बोलते हैं, नाम ज़ोहर बोलते हो कसर बोलते हो, नमाज को नमाज की नाम नहीं बदली, नमाज ज़ोहर ही रहा, कसर का मतलब छोटा करना, हाँ छोटा हाँ, तो आप तरावी भी नाम नहीं बदला, तरावी भी नाम नहीं बदला, बल्कि उस नमाज को लंबा करने को तरावी कहते हैं, समझ गई बात, जैसा छोटा करने को कसर कहते हैं तो लंबा करने को तरावी कहते हैं, नाम नहीं बदला, कितना बड़ा जाहिल है, तरावी का मतलब कसर करने को कहते हैं, बात समझ में आई ना, कसर करना छोटा कहते हैं, नाम नहीं बदला तो तरावी कहते हैं लंबा करने को, तो तहज्जुद की नमाज, वो नमाज तहज्जुद है ना, हाँ वो तहज्जुद की नमाज है, तहज्जुद की नमाज लंबी करने से तरावी हो गया, हाँ वो तरावी उसको लंबी करने को तरावी कहते हैं, आराम करने का नाम तरावी, उसका नाम आराम करने को तरावी कहते हैं, तरबियत तरबियत है तरावी, यहाँ नमाज तुम बोले तहज्जुद भी आप रखा, अरे जब लंबी नमाज पढ़ते हैं उस तुम्हारा मिसाल फिट नहीं बैठा ना, अल्लाह के बंदो जब तहज्जुद की लंबी नमाज पढ़ते, अरे अल्लाह के बंदो पहले सुनो, तहज्जुद की जब लंबी नमाज पढ़ते हैं और उसमें आराम करते हैं, उस आराम करने को तरावी कहते हैं, जब चार रकात पढ़ के फिर चार रकात पढ़ के जो आराम करते हो ना, आराम करने को तरावी कहते हैं, तरबिया तरबियत है तरावी, बोले लंबा करने को, हाँ आराम करने को कहते हैं, वो लंबी नमाज पढ़ने के बाद आराम करने को तरावी कहते हैं, नमाज को नहीं कहते, अच्छा तरावी तरबिया चार रकात में आराम करने को तरबिया, आठ रकात में आराम करने को तरबियत है, और बारह आठ से के बाद आराम करने को तरावी कहते हैं, समझे, वाहिद तस्मिया जमा, नमाज का टाइम है, ऐसा का पकाओ मत, तुम्हारी बात मान गया, भाग रहे हैं, भाग रहा है समय।